हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइफर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऐसे ही ब्रेकेट यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ये है कि एक नहर है, या हम कह सकते हैं एक रिवर है, एक नदी है। तो नदी में जो वाटर है वो फ्लो करता है, ठीक है। अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे वो स्टिल वाटर है, ठीक है। एक इसको हम कहते हैं स्टिल वाटर, मतलब वाटर रुका हुआ है, वो जो है ना ही इस साइड में फ्लो कर रहा है ना इस साइड में फ्लो कर रहा है, रुका हुआ है। अच्छा, एक रिवर ये है, यहाँ पर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम बोर्ड पे जैसा बना रहे हैं ऐसा देखें तो अगर हम अपनी बोट को जब स्टिल वाटर में चलाया हमने, ठीक है, तो हमने इसको एक स्पीड दी चलाने के लिए, भाई स्पीड देंगे ना तभी तो वो चलेगी। तो हमने उसको एक स्पीड दी, मान के चलो वो स्पीड हमने दी 6 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, ये स्पीड से हमने बोट चला दी और इसी डायरेक्शन में चला दी जब स्टिल वाटर में हमने चलाई। तो यहाँ पर वाटर कोई भी हेल्प आपकी नहीं करेगा। आपने जो चलाई है उसके लिए आपने एक फ्यूल इसमें यूज़ करा होगा और मोटर ने वो फ्यूल का यूज़ किया, मोटर बोट है, चलने लगी और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने चला दिया, ठीक है। अगर इस आपकी मोटर बोट नहीं है तो फिर वो जो उसका चक्कू होते हैं चलाने वाले, उससे चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब यही स्पीड के साथ हम आए जिसमें वाटर फ्लो कर रहा था, इस रिवर में या इस नहर में। तो हमने, अच्छा, हमने उतना ही फ्यूल इसे दिया और वही मोटर, और 6 किलोमीटर हमने अपनी तरफ से स्पीड बनाई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो बोट थी वो और ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ चल रही थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर वाटर भी फ्लो कर रहा है, वो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हम वाटर के फ्लो की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। जिधर वाटर फ्लो कर रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारा डायरेक्शन भी वही है। तो वाटर का फ्लो हमारी हेल्प कर रहा है तो हमारी स्पीड कुछ ज़्यादा लगेगी। अब मान के चलते हैं कि वाटर फ्लो मान लीजिए 7 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारी अब स्पीड हो लगेगी कितना और होगी कितना। तो ऐसी सिचुएशन में जब, और ये सिचुएशन जो होती है वो डाउन स्ट्रीम कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउन स्ट्रीम, कि आप जो है वाटर के फ्लो के साथ जो है बोट को चला रहे हैं, ठीक है, आप वाटर के फ्लो की तरफ ही जा रहे हैं, तब हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा वाटर की बहने का, वाटर करंट की जो स्पीड होती है, ठीक है, वाटर करंट स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये जो करंट है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, ये वाटर करंट है। करंट का मतलब होता है असल में बहना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट प्लस स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड हमारे, वाटर करंट स्पीड हमने 7 प्लस, और बोट की स्पीड है 6, तो ओवरऑल ये 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जो है वो चल रही होगी। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं उसे 6 किलोमीटर पर आवर चलाने की कर रहे हैं, लेकिन हमें हेल्प मिल रही है किसकी? वाटर करंट। एक सिचुएशन ये हुई।
अच्छा दूसरी सिचुएशन ये हुई कि अगर अब कंडीशन ये हो गई कि हम जो है इसी रिवर में जिसमें वाटर इस तरफ राइट हैंड की तरफ फ्लो कर रहा था, हम लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं, तो वाटर अब हमें रोकेगा, अब वाटर हमें रोकेगा, रोकने की कोशिश, वो हमारे मोशन को अपोज करेगा, वो हमारी स्पीड को अपोज करेगा, ठीक है? और कितना रोकेगा? ये उतना ही आपकी स्पीड को कम कर देगा जितना कि इसकी खुद की स्पीड है, ठीक है? जितना कि इसकी खुद की स्पीड है उतनी ही आपकी स्पीड को ये कम करेगा, ठीक है? तो भाई अब ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए हमारी जो स्पीड है जो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर से हम इधर आ रहे हैं, लेकिन वाटर आपकी इस 8 किलोमीटर, लेकिन ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें लग नहीं रही, हम बोट चलाना चाह रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन हो क्या रहा है कि हम कह रहे हैं कि भाई 8 क्यों नहीं चल रही, तो वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वाटर आपको अपोज कर रहा है, और ये कितनी आपकी स्पीड की को कम कर देगा, ये उतना ही कम कर देगा जितनी इसकी खुद की स्पीड है, यानी का मतलब ये बात हो रही है, ये कंडीशन हो रही है अप स्ट्रीम की, जब हम अपोजिट आ रहे हैं तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम, जब हम साथ में जा रहे हैं तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है? अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में जब हम आ रहे हैं तो हम क्या सिचुएशन क्या बनेगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट को घटा देंगे, तब अब नेट स्पीड आपकी पता चलेगी। तो हमारी स्पीड, हमने जब इधर आ रहे हैं तो हमने 8 किलोमीटर लिया हुआ है और वाटर की स्पीड 7 ही रखी है हमने, तो फिर हम अपने आप को पाएंगे कि हम 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ये हमें याद रखना है कि कब हमें घटाना है और किस में से घटाना है, तो स्पीड ऑफ बोट में से वाटर करंट की स्पीड को घटा देना है, स्पीड ऑफ बोट जो होगी वो स्टिल वाटर की स्पीड कहलाएगी, या भी स्पीड ऑफ बोट जो होगी वो स्टिल वाटर की स्पीड, रुके हुए पानी में आप किस स्पीड से चलोगे, अगर ये कंडीशन है तो इसी कंडीशन में आप रुके हुए पानी में किस स्पीड पर चलोगे, स्टिल वाटर की स्पीड है, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में आपकी स्पीड ये होगी, ठीक है? तो कब घटाना है कब जोड़ना है देख लीजिए, फिर से रिवर्स करके मतलब बैक जाके देख लीजिए आप, ठीक है? इसको करते हैं रफ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो इसे करते हैं रफ। तो यहां पर हमसे पूछा गया है, हमें दो कंडीशन दी गई हैं और दो कंडीशन देने के बाद हमसे कहा है कि डाउन स्ट्रीम में ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चल रही है, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, ठीक है? हमसे पूछा गया है कि ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम में, मतलब ये रिवर है, ये रिवर है और मान लीजिए वाटर इधर ही बह रहा है, यहाँ पर हम इसकी ऋतु की बोट है, ये यहाँ से बोट चली और यहाँ आ गई और ये 20 किलोमीटर वो चल दी और यहाँ से यहाँ आने में उसे 2 आवर का टाइम लगा, ठीक है? ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है? तो हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है? दूसरा इन्होंने एक और कंडीशन है, आप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर है, ठीक है? फिर फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग का मतलब इसको बोट को चलाना, ठीक है, जैसे घोड़े को चलाना तो हॉर्स राइडिंग होता है, इसी तरीके से तो बोट को चलाना तो रोइंग इन स्टिल वाटर,
तो स्टिल वाटर में ठीक है रोइंग करने की स्पीड क्या है, उसको हमने मान लिया है एक्स किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से हमने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब यहाँ पर वाटर करंट, वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो हमने क्या कहा था डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्टिल वाटर वाली स्पीड जो आपकी अपनी स्टिल वाटर में स्पीड है और जो वाटर करंट का हेल्प में लेगी यहाँ पे, ठीक है, तो बढ़ जाएगी स्पीड, तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर बराबर ही हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर केस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जब वो जा रही है तो उसकी 20 किलोमीटर वो जा रही है 2 आवर्स में, तो स्पीड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसे 2 आवर, तो 2 × 2 2 × 10 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भाई डाउन स्ट्रीम में ऐसे हमने ये कर दिया और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है एक्स प्लस वाई वो किसके इक्वल हुआ, 10 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1। डाउन स्ट्रीम में हमने क्या अभी आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं कि स्टिल वाटर की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2 आवर में, तो हमने उससे निकाल ली स्पीड, तो ये वाली जो स्पीड है और ये जो स्पीड है वो दोनों इक्वल हुई, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट बन गई हमारी। चलिए, अच्छा अब स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि आप जो है अपनी स्पीड में से वाटर की स्पीड को घटा दो, वाटर करंट को घटा दो, क्योंकि आपको उतना ही वो रोकेगा जितना उसकी खुद की स्पीड है। ठीक है, क्योंकि आप अपोज कर रहे हो, तो हमारी स्पीड क्या है एक्स मानी हुई है हमने स्टिल वाटर में, वाटर की स्पीड कितनी है वाई है, माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी अप स्ट्रीम में। अब केस टू, यहां पर कह रहे हैं कि वो 4 किलोमीटर ही चल पाती है 2 घंटे में, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 4 किलोमीटर, कितने टाइम में 2 आवर में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड इन अप स्ट्रीम, 2 × 2 2 × 4, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पार्ट है और ये दोनों चीज़ें इक्वल हुई ना, दोनों एक ही बात है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई हमारे पास, y मतलब y वाली टर्म देखिए साइन अलग अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, मतलब कॉफिशियंट यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है या +1 है, तो ऐड कर दीजिए सीधे सीधे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐड कर दिए, कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, ये हो गया, दोनों प्लस में है 12, ये कितना हो गया 12, तो x इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 2 6 12, x इक्वल टू 6, और x हमारा क्या था, x हमारा था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, कितना आ गया 6 आ गया, यानी का मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स
इक्वेशन वन, ठीक है, ये लिख लेंगे आप अपने आप बाकी का। तो इक्वेशन नंबर वन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू टेन, तो यहाँ रखेंगे x की जगह पे 6, y इक्वल टू टेन, तो y इक्वल टू 6 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड माइनस 6, तो y इक्वल टू 4, वाई क्या था हमारा स्पीड ऑफ करंट। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर ये आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द करंट ये आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नोट करिए जल्दी से, सेकंड पार्ट पर चलते हैं फिर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि मतलब पार्ट सेकंड यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे करेंगे और आराम आराम से इसको समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी इसमें गड़बड़ हुआ तो फिर ये गलत हो सकता है। तो मतलब हम तो बिल्कुल सही करेंगे, आप लोग थोड़ी थोड़ा सा इसे गौर से समझेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आए पॉज करेंगे, फिर बैक जाएंगे और फिर देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, टू वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क हो या कोई और सा वर्क हो, ये वर्क कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कोई और वर्क यहाँ पे लिख दें। एम्ब्रॉयडरी वर्क का मतलब यहाँ पर है कढ़ाई वाला एक काम है जिसमें कढ़ाई करना है एक सूट पे, और वो कंप्लीट हो जाएगा 4 डेज में। कब? जब 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर इसे करेंगे, 5 men and 2 women, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये वर्क जो है एम्ब्रॉयडरी का एक काम दिया गया है, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वर्क है उस वर्क को हम लोग अगर मैथ में नंबर से रिप्रेजेंट करें तो इसको वर्क को हम कहेंगे 1। 1 का मतलब एक काम है ये पूरा, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। व्हाइल 3 men and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days, अगर वहीं पर 3 औरतें और 6 आदमी कर दिए जाएं, यानी मतलब एक औरत बढ़ा दी जाती है और एक आदमी बढ़ा दिया जाता है, तो फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा 3 days में, यानी 3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क, अगर एक औरत ही इस काम पे लग जाए और उसी को करना है ये काम, तो फिर ये काम वो एक औरत अकेली औरत कितने दिन में करेगी, वो पूछा है कितने टाइम में करेगी, तो दिन में ही आएगा टाइम, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 man alone, और एक आदमी अगर लगा दिया जाए उसी काम के लिए कि सिर्फ वही एक ही आदमी को ये काम करना है, तो एक आदमी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, सही बात। काम कितना है? काम 1 है, ठीक है, बस यहीं पर ये समझना है, काम कितना है? काम 1 है। अब आधा काम हुआ तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आधा काम हुआ तो 1/2 work, ठीक है, आधा काम कंप्लीट हो गया। अब भाई 4 दिन में ये पूरा काम हो जाता है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में आधा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन हो कि भाई 2 days में अगर 2 women and 5 men इस काम को, एम्ब्रॉयडरी वाले इस काम को करते हैं, तो 2 days में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? तो हम कहेंगे 1/2 work कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। चलिए अब हम मान लेते हैं लेट 1 woman alone to finish the work
द वर्क टू बी एक्स डेज, हमने मान लिया कि एक्स डेज हैं जिसमें वो एक औरत अकेली उस काम को कंप्लीट कर देगी। साथ में हमने ये भी मान लिया लेट वन मैन, अगर एक आदमी करे तो एलॉन अकेला, तो वो कितने दिन में करेगा भाई, फिनिश द वर्क टू बी वाई डेज, ठीक है वाई डेज में करेगा, क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, अब सपोज दैट, अब यहाँ पे समझने का कि जैसे एक आदमी जो है वो दो घंटे में 50 रोटी बनाता है, ठीक है 50 रोटी बनाता है, मतलब 50 रोटी का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, 50 रोटी उसे बनाने के लिए दी जाती है, भाई ये 50 रोटी हैं इसे बना दीजिए आप, 2 घंटे लगते हैं उसे बनाने में। तो हमें ये बताइए 1 घंटे में वो कितनी रोटी बनाएगा, 1 घंटे में कितनी, आप क्या कह रहे हैं 25 बनाएगा, काम कितना हुआ है, काम आधा हुआ है, ठीक है काम आधा हुआ है, आधे को यानी मतलब 1/2, ठीक है। तो वो एक आदमी 1 घंटे में क्या काम कर रहा है, यानी मतलब टोटल आवर्स जो लग रहे थे कंप्लीट करने में, उससे हमने अब जितने घंटे में हम निकालना चाह रहे हैं उसको डिवाइड कर दिया है भाई, ये 1 आवर ये 2 आवर, ठीक है। हमने क्या करा, हमने जितने घंटे में हम काम पता करना चाह रहे हैं कितना काम होगा, हम पता करना चाह रहे हैं 1 घंटे में कितना काम होगा, तो हमने क्या करा, इसको हमने उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जिससे जिस टाइम में कंप्लीट काम हो रहा था, ठीक है 1/2 काम होगा, ठीक है क्लियर है। एक और एग्जांपल जिससे कि समझ में आई बात है, इसको करते हैं, जिससे कि बात वही क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम यही करना है अभी। सपोज दैट एक आदमी है, ठीक है अच्छा, तो वो जो है मान लेते हैं घर बना रहा है, ठीक है नहीं घर बनाने के थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, कुछ और करवाते हैं इससे, ठीक है एक आदमी जो है वो राइटिंग कर रहा है, ठीक है राइटिंग कर रहा है 10 पेजेस राइटिंग कर रहा है, तो 10 पेज राइटिंग करने में उसे जो टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं, ऐसी मान रहे हैं ये तो सपोज दैट है, 10 पेज राइटिंग करने में उसे 10 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे में 1 पेज राइटिंग करता है, आराम आराम से कर रहा है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि 5 घंटे में वो कितने पेज राइटिंग कर देगा, या वो ये राइटिंग जो है 10 पेज राइटिंग जो है कंप्लीट 1 वर्क है, तो हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि वो कितने पेज कर देगा, हम ये जानना चाह रहे हैं कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें इस 5 को डिवाइड कर दो आप 10 से, कंप्लीट वाले टाइम से, जिसमें जिस टाइम में कंप्लीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो सही है 1/2 वर्क हो जाएगा 5 आवर्स में, ठीक है 5 आवर्स में 1/2 वर्क यानी मतलब आधा काम हो गया, 1/2 का मतलब हाफ, ठीक है। अच्छा हम कहें कि 1 घंटे में कितना काम कर पाएगा ये 10 पेज का जो वर्क है उसमें से कितना काम कर पाएगा, फ्रैक्शन में हमें उसे लिखना है, 10 पेज का मतलब कंप्लीट वर्क 1 वर्क, तो फिर हम क्या करेंगे 1/10 वर्क हो पाएगा, सही है 1 घंटे में 1/10 वर्क, फिर दूसरे घंटे में फिर 1/10 वर्क, फिर तीसरे घंटे में फिर 1/10 वर्क, इस तरीके से ये 10 टाइम्स 1/10 वर्क 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली हमारा इसको जोड़ देंगे इसको 10 टाइम्स, तो 1 आ जाएगा 10/10 भाई, 10/10 आ जाएगा यहाँ पे जोड़ने के बाद वही आ जाएगा 1 भाई, 1/10 को हम 10 टाइम्स जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/10 को 10 टाइम जोड़ना है तो × 10 कर दो, 10 से 10 कैंसिल, 1 वर्क कंप्लीट, वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है क्लियर। तो यहाँ से बात आपको समझ में आई होगी,
चलो ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ हमें यही समझाना था कि टोटल जो वर्क है, जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो जितने भी डेज में हो रहा है, ठीक है, उस से डिवाइड करना है हमें। अब हम कितने भी डेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक औरत कंप्लीट कर रही है वर्क एक्स डेज में, ठीक है, एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है एक औरत वर्क। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि 2 डेज में वो कितना काम करेगी? तो वन वूमेन, सो यहाँ से सो वन वूमेन अलोन द वर्क इन 2 डेज। तो 2 दिन में वो कितना काम करेगी? ठीक है, एक्स डेज में वो कंप्लीट कर देती है, एक्स डेज में कंप्लीट कर देती है। तो 2 को डिवाइड कर दो एक्स से, कंप्लीट होने वाली डेज से, जितने डेज में कंप्लीट। तो इतना वर्क कर देगी ये, जो निकल के आ रहा है वो वर्क निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, जब तक आप इससे पहले वाली बात नहीं समझेंगे कन्फ्यूज़न रहेगा। तो 2 अपॉन x वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कितने डेज में? 2 डेज में, अगर वो अकेली काम करती है, ठीक है। ये 2 डेज में क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर, सॉरी, हमें 2 डेज में नहीं, हमें 4 डेज में निकालना था। कितने डेज में निकालना था? 4 डेज में निकालना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में 4 डेज है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 4 डेज कर देते हैं। तो 4 डेज में कितना काम कर देगी? 4 अपॉन x। यही तो हमने बताया भाई, जितने डेज में आपको काम निकालना है, कंप्लीट होने वाले जो डेज हैं उससे डिवाइड कर दो। कंप्लीट होने वाले टाइम, जो कंप्लीट वर्क हो रहा है उस टाइम से, कितने टाइम में हो रहा है उस टाइम से डिवाइड कर दो। आपको जितने टाइम में वो वर्क चाहिए कि कितना होगा ये पता करना है अगर, तो फिर उस टाइम को डिवाइड कर दो कंप्लीट होने वाले वर्क टाइम से, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें 4 डेज में एक अकेली औरत कितना काम कर लेगी? 4 अपॉन x कर लेगी, ठीक है। तो एक अकेली औरत इतना काम कर लेगी, ठीक है, कितने दिन में? 4 दिन में। तो औरतें कितनी है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट कंडीशन में? 2। तो 2 औरतें, तो 2 वुमेन कितना काम कर लेंगी 4 डेज में? तो भाई इसका डबल, एक औरत इतना करेगी और एक दूसरी औरत भी इतना ही काम करेगी। तो 2 × 4 अपॉन x, यानी का मतलब 8 अपॉन x वर्क कर लेंगी 2 औरतें मिलके, ठीक है, कितने दिन में? 4 दिन में। ये बात समझ में आ गई, इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब आते हैं मैन पे। तो वन मैन एलॉन 2, या एलॉन द वर्क इन 4 डेज। तो एक आदमी कितना काम कर लेगा 4 दिन में? क्योंकि पहली कंडीशन में 4 डेज है, एक आदमी अकेला अगर 4 दिन में कितना काम कर लेगा? क्योंकि आदमी अपने काम को, अकेला आदमी वाई डेज में फिनिश कर रहा है, तो ये 4 अपॉन y काम कर लेगा, 4 अपॉन y वर्क कर लेगा, ये वर्क आ रहा है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो एक आदमी इतना काम कर लेगा, ठीक है, 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में एक आदमी इतना काम कर लेगा, ठीक है। तो अब आदमी कितने हैं? 5। तो 5 आदमी कितना काम कर लेंगे 4 दिन में? तो एक आदमी इतना करेगा तो यही वाला काम 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 5 लोग हैं। तो 5 × 4 अपॉन y, तो 20 अपॉन y वर्क। तो 5 आदमी 4 दिन में इतना काम करेंगे और 2 औरतें 4 दिन में इतना काम करेंगी। तो 2 औरतें और 5 आदमी मिलके 4 दिन काम कर रहे हैं, तो काम तो कंप्लीट हो जाएगा भाई, काम कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन का ही तो है। यानी मतलब ये काम जो आया, सो 8 अपॉन x प्लस 20 अपॉन y, ये तो काम कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। हमने क्या कहा था? कंप्लीट वर्क इक्वल टू 1। तो
तो ये जो है क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो गया ये भाई, ये 4 दिन तो कंप्लीट हो रहा है ना, और काम दोनों का हमने यहाँ पे निकाल लिया, चार चार दिन का, 5 आदमी का 4 दिन का काम, 2 औरतों का 4 दिन का काम, अब 4 दिन का काम दोनों का जोड़ दिया तो कंप्लीट वर्क होना चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब हम कंडीशन 2 के लिए सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही वर्क निकालेंगे। अब कंडीशन 2 में डेज कितने हैं, 3 डेज, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसलिए हम बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, आराम आराम से करा रहे हैं। 3 डेज, तो वन वुमेन एलोन द वर्क इन 3 डेज, तो भाई एक औरत 3 दिन में कितना काम करेगी, और ये बात याद रखना है बस यहाँ पे, कि जितने भी दिन का आपको काम चाहिए उससे वो दिन से उसको उस दिन से उतने दिनों से डिवाइड कर दो जितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हो जाता है, अकेली औरत का निकालें तो अकेली औरत से, एक औरत से, तो एक औरत काम कंप्लीट कर लेती है एक्स डेज में, पूरा कंप्लीट कर लेती है जो कि हमने माना है, तो 3 को डिवाइड कर दिया हमने एक्स से, इतना काम वो औरत एक दिन में करेगी, ठीक है, एक औरत सॉरी 3 डेज में, एक दिन में नहीं 3 डेज में इतना करेगी, क्योंकि हमने इससे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, 3 डेज से। यहाँ पर देखिए कई बार ये होता है कि पहले जैसे कि यहाँ पर क्या था, ऐसे भी हम कर सकते हैं, वहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगी, समझा देता हूँ, हो सकता है बहुत से टीचर ऐसे कराएं कि एक औरत ने, अब हमने डायरेक्टली 4 डेज का निकाला है, ठीक है, पहले निकालते हैं 1 डे में कितना काम करेगी, तो 1/x करेगी, ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/x हो जाएगा, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली 3 डेज या 4 डेज का निकाल लिया, तो भाई एक अकेली औरत 3 दिन में कितना काम करेगी, 3/x वर्क करेगी, ठीक है। अच्छा, जो ये 3 डेज का इसलिए निकालना है क्योंकि सेकंड कंडीशन में 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक औरत 3 दिन में इतना काम करेगी, और सेकंड कंडीशन में औरतें कितनी हैं, 3 औरतें, 3, तो फिर 3 औरतें 3 दिन में कितना काम करेंगी, भाई एक औरत इतना करती है तो 3 औरतें, इसका 3 टाइम्स, तो 3 × 3/x इक्वल टू 9/x वर्क, इतना वर्क कर लेंगी 3 औरतें 3 दिन में, ठीक है। अब आ जाइए अब मैन पे, तो वन मैन एलोन द वर्क इन 3 डेज, तो भाई एक आदमी 3 दिन में कितना काम करेगा, यही तो हम बात कह रहे हैं कि 3 को फिर डिवाइड कर दो टोटल डेज से, काम कंप्लीट होने वाले डेज से, काम कंप्लीट होने वाले मैन का जो है डेज कितने हैं, वाई मान के चले हम, तो 3/y वर्क हो जाएगा। अब आदमी हैं कितने, आदमी है 6, तो 6 आदमी 3 दिन में कितना काम कर लेंगे फिर, तो इसका 6 टाइम्स, भाई 6 आदमी 6 गुना ज़्यादा करेंगे तो 6 × 3/y, तो 3 6 3 18y वर्क। अब भाई ये 3 दिन में 3 औरतों का काम और ये 3 दिन में 6 आदमियों का काम, ये टोटल हो जाएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 9/x + 18/y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, ये 9/x आया, ये 18/y आया, क्लियर। अब दोनों इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 8/x + 20/y इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है 9, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, 9/x + 18/y इक्वल टू 1। अब देखिए ये इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इक्वेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह दोनों इक्वेशन इसी तरह से दी, वहाँ पर हमने क्या करा था,
कि वन अपॉन एक्स आ रहा है, वन अपॉन वाई आ रहा है, वन अपॉन एक्स आ रहा है, वन अपॉन वाई आ रहा है यहाँ पर। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर वन अपॉन एक्स इक्वल टू एम एंड वन अपॉन वाई इक्वल टू एन। तो ये हो जाएगा 8m प्लस 20n इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा 9x प्लस 18n इक्वल टू वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर थ्री, अब क्या करें? अब एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। क्या करें? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 9 से इसको 8 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन टू एंड मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन थ्री। ये एंड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 8 से। 9 8 72 m, 9 2 18 180 n, 9 1 9। यहाँ पर 8 9 72 m, ये सॉरी x लिख गया है, ये m है। ठीक है, प्लस 18 8 8 64 का 4 6 को कैरी किया, 8 1 8 144 होता है n इक्वल टू 8 1 8। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा हो गया तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से टीचर समझ जाएगा कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और किसको किससे करा है ये भी समझ रहा है। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल, सब्ट्रैक्ट में नीचे के साइन बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पर रह गया था 7, 7 में से 4 गया 3 बचा। ठीक है, n बचा साथ में और यहाँ पर बचा 1, तो n इक्वल टू 1/36, n इक्वल टू 1/36। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिख रहा है आप लोगों को n इक्वल टू 1/36 आ गया। अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये n की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन नंबर टू में कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वैसे वो टू वहाँ थी, सॉरी। ऐसा करो, यहाँ पर एक काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, इसको थ्री कहो और इसको कहो फोर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 9 इन थ्री कर लेना यहाँ पर, और यहाँ पर कर लेना फोर। ठीक है, तो थ्री में पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वन और टू तो वहाँ हो गई थी इक्वेशंस, है ना। तो ये थ्री हो गई चेंज हो के, और ये फोर हो गई, और थ्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9 से, और फोर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन नंबर थ्री, तो थ्री जो थी वो यहाँ से लेना है। ठीक है, तो 8m प्लस 20n इक्वल टू वन, तो 8m प्लस 20 अपॉन में n की जगह पे 136 इक्वल टू वन, 1/36, मतलब 136 मतलब 1/36। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी बनी 8m, और इसको काट दें अगर 4 से, 4 9 36, 4 5 20, तो ये हो जाएगा फिर 5/9 इक्वल टू वन इक्वल टू वन। अब ये 5/9 को हम ले आएंगे राइट हैंड साइड, तो 8m इक्वल टू 1 -5/9, तो 8m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 9 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, तो 9 1 9 और 1 5 5, तो 8m इक्वल टू 4/9। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, यहाँ से 8 को लाएंगे इधर, तो अपॉन में आएगा। ठीक है, तो 4/9 इंटू 8/ में ये 4 है, 4 1 4, 4 2 8, तो m इक्वल टू 9 2 18, 1/18 आ गया, 1/18। तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर
यहाँ पर हमें क्या करना है कि m और n तो हमने लेट करा था, हमें तो x और y चाहिए, ठीक है। तो n की जगह पर n देखो यहाँ पर कहाँ लेट करा है, यहाँ करा है, n इक्वल टू क्या, 1/y। तो n की जगह पे 1/y इक्वल टू 1/36। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें तो y इक्वल टू 36। यहाँ पे m 1/x, तो m तो 1/x था, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लें तो x ऊपर 18 ऊपर। तो x अब स्टार्टिंग पे आ जाओ, x क्या मान, वन वुमेन अलोन अलोन टू फिनिश द वर्क टू बी एक्स डेज, ठीक है। तो एक अकेली औरत को, ठीक है, वो अकेला काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, 18 डेज, ठीक है। तो वुमेन जो है, वन वुमेन उस वर्क को कर लेगी कितने डेज में, 18 डेज में, ठीक है। और क्योंकि एक अकेले आदमी को उसी काम को करने में कितने डेज लग रहे हैं, वाई डेज, तो एक अकेला आदमी उस डेज काम को कर लेगा, वन मैन कितने डेज में, 36 डेज में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18 डेज आया वुमेन के लिए और मैन के लिए आया 36 डेज, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जो है जल्दी से नोट करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है और पार्ट 3 ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी, इस क्वेश्चन का भी, और ये क्वेश्चन ही लास्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। तो रूही जो है अपने घर जा रही है या जाती है, तो कुछ वो आधा रास्ता या आधे से थोड़ा कम रास्ता ट्रेन से जाती है, फिर उसके बाद वो बस लेती है, वहाँ से फिर वो बस से जाती है। शी टेक्स 4 आवर्स, तो उसे 4 घंटे लगते हैं अपने घर पहुँचने में। इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो, अच्छा ये दे रखा है कि कितना वो बस से जा रही है और कितना वो ट्रेन से जा रही है। तो 60 किलोमीटर जा रही है वो ट्रेन से एंड द रिमेनिंग बाई बस, और बाकी का यानी मतलब उसका घर 300 किलोमीटर है तो 240 वो बस से जा रही है, ठीक है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो इसका मतलब वो 200 बस से जाएगी। रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो वो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसे ऐसा करने पे, ठीक है। यानी मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे उसे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है और हमें स्पीड ऑफ बस बताना है क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो असल में मसला यह है कि यहाँ ये, अब वो हॉस्टल में रहती है, वर्क करती है, ये नहीं दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि वो वर्क करती है और ये उसका ऑफिस है यहाँ पे, और ये ऑफिस से निकली वो और ये पहुँची अपने घर, ठीक है, ये होम। अब कंडीशन वन, और ये यहाँ से ऑफिस से घर तक का जो रास्ता है वो 300 किलोमीटर का है, ठीक है। अब पहला जो केस है उसमें क्या कहा गया है कि 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक वो जाती है ट्रेन से, ठीक है। फिर यहाँ से मतलब ये मान लो ये 60 किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक 60, और फिर यहाँ से कहानी शुरू हुई तो जाएगी बस से, तो ये बाकी का कितना बचा, 240 किलोमीटर बचा। तो 240 किलोमीटर उसे जाना है बस से, और इस तरह से उसका 300 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो टाइम उसे लग रहा है वो लग रहा है 4 आवर, 4 घंटे, ये केस नंबर वन है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और साथ में मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बस टू बी वाई किलोमीटर,
ठीक है, तो उसे ट्रेन से कितना जाना है, 60 किलोमीटर। तो ट्रेन से जाने में उसे टाइम कितना लगेगा, देन तो ट्रेन से जाने में उसे कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, अच्छा टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन के लिए, तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा उसे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर, और टाइम ठीक है, स्पीड कितनी हमने ट्रेन की मान रखी है एक्स, तो ये इतने घंटे लगेंगे उसे, ठीक है, आवर में आएगा टाइम, ठीक है। अच्छा टाइम टेकन बाई बस, तो डिस्टेंस बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन में बस की स्पीड, तो बस से ट्रेवल कर रही है वो 240 अपॉन में वाई, ये टाइम लगेगा उसे बस से, और टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना 4 आवर्स, यानी का मतलब 60 अपॉन x + 240 अपॉन y इक्वल टू कितना हो रहा है, 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गई बात। अब आ जाइए सेकंड केस, तो ये भाई उसका ऑफिस, और यहाँ से ये है उसका घर, ये होम, ये ऑफिस, ठीक है, ये पूरा रास्ता 300 किलोमीटर का है उसे घर तक, उसके घर तक, ऑफिस से घर तक। अब सेकंड सिचुएशन ये हुई कि वो 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, तो बाकी का बचा कितना, 200, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर वो जा रही है बस से, ठीक है, तब टाइम देन टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो ट्रेन से उसे कितना टाइम लगेगा, ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 अपॉन x आवर, और टाइम बस कितना लेगी, तो 200 अपॉन y आवर, और ये दोनों टाइम को हम सम कर दें, 100 अपॉन x + 200 अपॉन y, तो ये आ रहा है 4 आवर, और साथ में क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उसे, 10 मिनट्स, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं ना उसे सेकेंड टाइम में, ठीक है। अब 10 मिनट्स को आवर, मतलब इसको हमें पूरा क्या लिखना है, आवर में लिखना है, तो 4 आवर, 4 आवर, और 10 मिनट्स को आवर में लिखेंगे तो 10 अपॉन 60 आवर, यानी मतलब 1 अपॉन 6। अब ये 4 अपॉन 4 अपॉन, यानी मतलब हम लिख सकते हैं अगर इसको होल, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 4 एंड 1 अपॉन 6 आवर हो गया, है ना, 4 एंड 1 अपॉन 6 आवर, ठीक है। अब आप ऐड भी करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अब इसको मिक्स्ड में कैसे लिखें, तो 6 4 24, वो सॉरी, इसको इम्प्रॉपर में कैसे लिखें, मिक्स्ड में तो लिख दिया, 6 4 24 एंड 25 अपॉन 6 आवर, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम ये टाइम लिख लेंगे, तो यहाँ पर 100 x + 200 y = 25 अपॉन 6 आवर, ये 4 आवर + 10 मिनट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन वही, अपॉन में एक्स आ रहा है, अपॉन में वाई आ रहा है, अपॉन में एक्स आ रहा है, अपॉन में वाई आ रहा है, तो लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन x = m एंड 1 अपॉन y = n, तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो बनेगी 60 m + 240 n = 4, और ये सेकंड वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन आई हमारी, ये बन जाएगी 100 m + 200 n = 25 अपॉन 6, ये हुआ था। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, अब एलिमिनेशन चला दो, है
है ना, एलिमिनेशन चला दो, सब्सिट्यूट करना चाहो सब्सिट्यूट कर लो, जो भी मेथड आपको पसंद है वो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। तो एलिमिनेशन पे जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के एलिमिनेशन थोड़ा सा आसान लगता है। तो क्या करें एलिमिनेशन के लिए, ये 60 हो नहीं सकता, ये 100 हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। तो ये बात आप लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन बाय 100 इन इक्वेशन 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 60 इन इक्वेशन 4, ठीक है, ये बात लिख लेंगे अपने आप। आप तो ये हो जाएगा 6000 m प्लस ये हो जाएगा 24000 m और ये हो जाएगा 400, और यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6000 m प्लस ये हो जाएगा 26 12000 n और ये हो जाएगा 25 × 60/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 250 हो जाएगा ये। चलो इसको 250 ही लिख लो, कितना हो जाएगा 250, ठीक है, समझ गए कैसे होगा। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल पूरा पूरा, 24000 से 12000 घटाएंगे तो 12000 बचेगा एन। अच्छा यहाँ पर 400 से 250 को हम माइनस कर रहे हैं, तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और ये बचेगा 150, ठीक है। तो इस 12000 को इधर ले आएंगे तो एन इक्वल टू 150/12000, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 15 × 15, 15 × 8 = 120, तो ये आ गया एन इक्वल टू 1/80। एन इक्वल टू कितना मिला हमें, 1/80। अच्छा साहब सही है, इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तो रफ वर्क था। अब आ जाओ यहाँ पे, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन, ये वाली 3 वाली, ठीक है, इन इक्वेशन 3 लिख लेंगे अपने आप बाद। तो 60 m प्लस 240 n, n की जगह पे 1/80 इक्वल टू 4 है यहाँ पर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 × 8, 8 × 3 = 24, तो 60 m इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 − 3, तो 60 m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1/60, तो m की वैल्यू ये आ गई। m था क्या, m था क्या, m 1/x था, तो m की जगह पे 1/x इक्वल टू 1/60, रेसिप्रोकल लेंगे x इक्वल टू 60। अच्छा n कितना आया था, n आया था 1/80, n था क्या, n था 1/y, ठीक है, तो n की जगह पे 1/y इक्वल टू 1/80, रेसिप्रोकल लिया 1/80, ये कहानी बनी। तो x इक्वल टू आया 60, अब आ जाओ x क्या माना था, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड ऑफ बस y था हमारा, तो स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ला रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स। तो देखते रहिए ज़ायफ़ा क्लासेस की वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।